नमस्कार दोस्तों, आरएससी मथुरा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हर किसी इंसान के कोई न कोई क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर ढूंढता रहता है, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देना चाहूंगा जो कि हमारे तुलसी कथ रामायण में लिखे हुए हैं और उसको हम राम सलाखा प्रश्नावली बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम सलाखा प्रश्नावली आपके सभी सवालों का आंसर देगी। तो मैं बताता हूं आपको कैसे आपके आंसर निकालने हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे जिसमें कि आपको अपने अक्षर नोट करने हैं और जो भी आपका सवाल है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान करके रट लें और श्री रामचंद्र जी की पूजा करके शुरू करें और आंख बंद करके श्री राम सलाखा में एक अक्षर को आप चूज करें। अब मैंने आंख बंद करी और ये रखा, इसमें शी आया। सबसे पहले हम इस शी वाले जो शे वाला ये आया, हमने इसको कॉपी पेंसिल लेकर के लिख लिया, ये लिख लिया। इस अक्षर को छोड़ करके यहां से आगे नौवां अक्षर काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ना आया, हमने ना यहां लिख दिया, ना लिख दिया। अब उस ना से आगे को आपको नौ गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गा आया, गा हमने यहां लिख दिया। अब गा से आगे आपको नौ काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रा आया और रा हमने इस अपनी आंसर शीट पर लिख दिया और उससे आगे फिर नौ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये की आया और हमने की यहां लिख दिया। फिर आगे आपने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जे आया, जे के आगे हमने नौ अक्षर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये शा आया, शा से आगे हम नौ अक्षर काउंट करेंगे। उसी प्रकार आपको ये पूरा प्रश्नावली को नौवें अक्षर काउंट करते हुए ऐसे करते हुए जो अक्षर आता है उसको यहां लिखते चलना है और जब तक आपको लिखते चलना है तब तक करके घूम करके आप इस सी के पास ना आ जाएं, तब जाकर के आपकी एक चौपाई पूरी होगी। हमने वो अक्षर काउंट करते करते राम सलाखा में से और ये सारे अक्षर यहां पर लिखे और लिखने के बाद जो चौपाई बनी वो आपके सामने है। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। चौपाई का जो रूप है, ये चौपाई क्या बोलती है, क्या बनता है, ये देखिए। यहां पर हम ये राम सलाखा के आंसरों की नौ चौपाई आए हैं और सभी के आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो हमारा ये जो चौपाई बनती है, चौपाई बनती है हमारी, ये देखिए हमारे ये अक्षर मिल रहे हैं, प्रवस्य नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये चौपाई इसमें श्री राम सलाखा में हमारे दूसरी चौपाई है, चौपाई बनती है, प्रवस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये चौपाई इसमें बनती है, दूसरी चौपाई है श्री राम सलाखा की। और इसका आंसर आपको देखिए ये आ रहा है, स्थान। यह चौपाई सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। और इसका आंसर आपको देखिए, इसमें फल दे रखा है, फल का मतलब आंसर होता है, उत्तर होता है, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी, यानी कि आपका काम पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार अपने क्वेश्चनों के आंसर श्री राम सलाखा से ले सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन सोचा था, अपने मन में धारण किया था और मैंने अक्षर देखा, उस अक्षर को देखते हुए मैंने पूरी चौपाई बनाई और उस चौपाई का जो आंसर बना, जो मेरे सवाल का जो जवाब आया वो ये आया आपके सामने, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, आपको सफलता मिलेगी, यानी कि मेरा काम पूर्ण होगा। इसी प्रकार आप अपने
सवालों के जवाब देख सकते हो, बशर्ते कि आपके मन में श्री रामचंद्र जी का पूर्ण विश्वास हो, ये तुलसीकृत रामायण ये बताती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट करें, और आपकी क्या अभिलाषा है, हम आपके प्रश्नों के आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।